वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखिए, पिछली क्लास में हमने एरिया फाइंड आउट किया था टू डायमेंशनल फिगर्स का, या कहें आपने प्लेन फिगर्स, जैसे सर्कल हो गई हमारी, रेक्टेंगल हो गई, स्क्वायर हो गई, दीज आर द टू डायमेंशनल फिगर्स, यानी कि जिसकी सिर्फ लेंथ और ब्रेथ थी। अब हम यहां पे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के बारे में बात करेंगे, जो फिगर्स की हमारी थ्री डायमेंशनल फिगर्स है। थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्यूब, क्यूबोइड, सिलेंडर, कॉन, हेमिस्फीयर और स्फीयर। थ्री डायमेंशनल फिगर्स का मतलब है इनकी थ्री डायमेंशन होती है, जैसे लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इनको थ्री डायमेंशनल फिगर्स, इनको सॉलिड फिगर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड फिगर्स। इनको हम प्लेन पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए जैसे बॉल है, ठीक है, बॉल को अगर आप प्लेन पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो उसका जो पार्ट है, कुछ हिस्सा क्या होगा, हमें ऊपर की तरफ दिखाई देगा, जो कि हम शो नहीं कर सकते प्लेन पेपर पर। इसी तरह से अगर हम कोई भी क्यूबॉइड बनाते हैं, उसको प्लेन पेपर पर एग्जैक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए हम इन फिगर्स को सॉलिड फिगर्स भी कहते हैं। एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। 13.1 में हम बात करेंगे क्यूब और क्यूबॉइड की। इनका हम टोटल सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया, या लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं इसको, ये निकालेंगे हम। कैसे देखिए, हम कैसे निकालेंगे, पहले हम क्यूबॉइड की बात करते हैं। क्यूबॉइड आपको पता है, ऐसा सॉलिड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही होती है, वो हमारा क्यूबॉइड होता है। जैसे आपका रूम हो गया, एक ईंट, ब्रिक हो गई, वुडन बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स, चॉक बॉक्स, ये सारे हमारे क्यूबॉइड के एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपका बॉक्स है, क्यूबॉइड है, टाइप का है। क्यूबॉइड हमारा 6 रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलकर बना होता है। ये हो गया टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट, 6 फेस है। अगर हम 6 रेक्टेंगुलर फेस का एरिया निकाल के इनको ऐड कर दें तो हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा इस क्यूबॉइड का। देखिए, जो हमारा हम पहले निकाल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, टीएसए का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। बेस का एरिया, बेस आपको पता है रेक्टेंगल टाइप का है हर एक फेस, लेंथ, ब्रेथ, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी। तो जो बॉटम होता है उसका एरिया होता है एल बी। जितना फर्स्ट का एरिया होगा बॉटम का, उतना ही हमारा टॉप का एरिया होगा, छत का कह सकते हैं आप, अगर रूम की बात कर रहे हैं। जितना हमारा बॉटम का एरिया होगा उतना ही हमारा टॉप का एरिया होगा, एल बी और एल बी, टू एल बी। ये किसका आ गया, हमारा टॉप एंड बॉटम का। अब फ्रंट और बैक की बात करें, ये हमारा क्या था, एल, और ये क्या है हमारी, एच, हाइट। तो जो फ्रंट है उसका एरिया कितना हुआ, एल इंटू एच। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, बट ये क्या हमारी हाइट, तो एल इंटू एच। जो फ्रंट का एल इंटू एच होगा तो बैक का कितना होगा, एल इंटू एच, सेम होगा, तो 2LH हो गया प्लस। अब देखिए, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। तो लेफ्ट का एरिया ये हमारा क्या था, B था, और ये था H, तो B इंटू एच, B इंटू एच, B इंटू एच, 2BH। तो यहां से हम 2 कॉमन ले लेंगे, LB प्लस BH, LH प्लस BH, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट्स। इसको रब कर दें, क्योंकि एरिया हमारा किसमें आता है, स्क्वायर यूनिट्स में, SQ. का मतलब स्क्वायर यूनिट्स। अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं, LSA, लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है,
एरिया ऑफ फोर वॉल्स, जैसे हम रूम की बात कर रहे हैं चार दीवारों का, यानी कि टॉप का और बॉटम का छोड़ दें आप, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास बुक्स है, टॉप का एरिया छोड़ दें और बॉटम का एरिया छोड़ दो, फोर साइड्स, जो चार साइड्स का एरिया है वो हमारा क्या कहलाता है, कर्व सरफेस एरिया। बॉटम का क्या होता है एल बी, टॉप का भी क्या होता है एल बी, यानी कि टू एल बी हटा दो, टू एल बी हमने हटा दिया तो क्या बचा टू एल एच, ये हमने टू एल बी हटा दिया तो क्या बचा टू एल एच प्लस टू बी एच, टू एच कॉमन आ सकता है, यहां से टू एच कॉमन आ रहा है तो यहां पे बचा एल प्लस बी, ये यूज कर सकते हैं आप फॉर्मूला, या ये यूज कर सकते हैं टू एच एल प्लस बी स्क्वेयर यूनिट्स। देखिए हम इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, हम अगर हम इसकी फिगर ड्रॉ करें क्यूबॉइड की, एल बी और एच, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, दिस इज द शेप ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूब की बात करते हैं इसलिए आपने ये याद रखना है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स एक ही बात होती है, या इसको आप ये भी कह सकते हो और एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चार दीवारों का एरिया। ठीक है, अगर हम रूम की बात कर रहे हैं, अब क्यूब की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ये हमारे पास क्यूब क्या होता है, जैसे आइस क्यूब हो गया हमारे पास, सुगर क्यूब्स, क्यूब होता है हमारा ऐसा सॉलिड जिसकी तीनों साइड्स लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आइस क्यूब बताया था, ये मैंने बनाया क्यूब, तीनों साइड बराबर है और इसको नाम दिया मैंने ए, ए इज कॉल्ड एज ऑफ द क्यूब, एज कहें या साइड ऑफ द क्यूब कहें, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया, इस फॉर्मूले में एल बी ए है, बी बी ए, एच बी ए, पुट कर दो ए, टू ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए मल्टीप्लाई ए प्लस ए इंटू ए, क्योंकि तीनों साइड्स क्या है बराबर है, तो क्या होगा टू ए की स्क्वायर, ए की स्क्वायर, ए की स्क्वायर कितना हो गया टू इंटू थ्री ए की स्क्वायर सिक्स ए स्क्वायर। इस फॉर्मूले में क्यूबॉइड के टोटल सरफेस एरिया में एल बी एच को क्या पुट कर दो ए, क्योंकि तीनों साइड क्या है बराबर, सिक्स ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, सिक्स ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, और कर्व सरफेस एरिया इसमें फॉर्मूले में पुट कर दो एच एल बी, तीनों को ए पुट कर दो, 4a स्क्वायर यूनिट्स। ये हम एक्सरसाइज 13.1 में यूज करेंगे, इसलिए आपको क्या नाम याद कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का ये होता है टू ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, अगर रूम की बात कर रही है एरिया ऑफ फोर वॉल्स क्या होता है टू एच ब्रैकेट एल प्लस बी, क्यूब की बात कर रहे हैं टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, वेयर a का मतलब क्या है, a क्या हमारी एच और साइड ऑफ क्यूब, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड, यानी कि इस क्वेश्चन में प्लास्टिक बॉक्स के बारे में बात हो रही है, उसकी जो लेंथ है लंबाई है 1.5 मीटर होनी चाहिए और जो वाइड है यानी कि ब्रेथ या कहीं चौड़ाई 1.25 मीटर होनी चाहिए एंड 65 सेंटीमीटर डीप, यानी कि जो गहरा है उसकी गहराई यानी कि या कहीं ऊंचाई, जो हाइट है उसकी 65 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप,
टॉप से ऊपर से ये बॉक्स कैसा होना चाहिए, खुला होना चाहिए। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, प्लास्टिक सीट जो हमें उस बॉक्स को हमें प्लास्टिक सीट से बनाना है, उस प्लास्टिक सीट की थिकनेस को इग्नोर करते हुए आपने डिटरमाइन करना है द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स को बनाने के लिए हमें जिस सीट की जरूरत पड़ेगी उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सेकंड में द कॉस्ट ऑफ द सीट फॉर इट, जो हम सीट से बॉक्स को बना रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी होगी। इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वेयर कॉस्ट रूपीज 20, अगर 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट 20 रुपए है। देखिए कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन फॉर बॉक्स। बॉक्स के लिए देखिए क्या क्या डायमेंशन दी हुई है। लेंथ एल हमारे पास कितना दे रखा है, 1.5 मीटर। ब्रेथ कितनी दे रखी है, 1.25 मीटर। और हाइट हमारे पास 65 सेंटीमीटर। अब देखिए L और B तो हमारी मीटर में है बट ये किसमें है, सेंटीमीटर में। तीनों लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों एक में होनी चाहिए, या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो बेटर यही है हम इसको मीटर बना लें। तो मीटर कैसे बनाते हैं, सेंटीमीटर के 100 से डिवाइड कर देते हो। अभी 65 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। तो दो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, 0.65 मीटर बन जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या करना है, एरिया ऑफ द सीट फॉर मेकिंग द बॉक्स, एरिया ऑफ सीट। इस एआर का मतलब शॉर्ट में होता है एरिया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया ऑफ द सीट। ठीक है, फॉर मेकिंग बॉक्स। अब देखिए हम उस बॉक्स को सीट से बना रहे हैं। ठीक है, हमें जो सीट से बना रहे हैं उसका एरिया कितना होगा, उस सीट का एरिया उतना ही होगा जितना हमारा बॉक्स का एरिया होगा। अब बॉक्स का एरिया कितना होगा, देखिए ये हमारा कुछ बॉक्स है। अब ऊपर से ओपन है तो एरिया कौन सा एरिया रह गया, 4 साइड का एरिया रह गया और नीचे का बेस एरिया। ठीक है, 4 साइड का जो एरिया होता है वहां पे सीट लगानी है। सीट देखिए हमें चारों साइड पे सीट लगानी है, बेस पे भी सीट लगानी है, बट ऊपर की तरफ हमें खुला रखना है। तो चारों साइड पे जो सीट लगाएंगे उसका एरिया कर्व सरफेस एरिया 2HL+B, कर्व सरफेस एरिया। प्लस बेस एरिया, बेस का एरिया हमेशा L×B होता है, कितना होता है L×B। चारों साइड का एरिया, चारों साइड हम सीट लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया और प्लस बेस एरिया, क्योंकि बेस पे भी सीट लगाएंगे ऊपर के सीट नहीं लगाएंगे। ठीक है, वैल्यू पुट कर दें, एच की वैल्यू कितनी है, 0.65, L+B 1.5 प्लस 1.25 और प्लस L×B 1. L हमारा 1.5 और B है 1.25। तो ये होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, 2 को 0.65 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 आएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे 2.75 और प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप 1. मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया 1.875 आएगा मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें 13 को, 275 को 13 से मल्टीप्लाई, 5 है 13 65 6 93 96 97 9 13 2 26 और 9 35। 3 पे छोड़ दें डेसिमल, तो 3.575 प्लस 1.875। अब दोनों को ऐड कर दें 1.875, 5 10 7 15 ऐसे ले, 8 15 14 ऐसे ले, 3 4 5 5.45। ये आ गया हमारा 5.45 मीटर स्क्वेयर, यानी कि हमें इतने मीटर स्क्वेयर हमें सीट की जरूरत होगी। सेकंड, द कॉस्ट ऑफ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट 20 दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ सीट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ सीट
एरिया को हमेशा पर मीटर स्क्वेयर कोस से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक मीटर स्क्वेयर की कोस कितनी है, 20 रुपए, और एरिया हमारा कितना है सीट का, 5 पॉइंट। एरिया, एरिया ऑफ सीट, देखिए एरिया ऑफ सीट मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर 5.45, और मल्टीप्लाई कितनी है एक मीटर स्क्वेयर की कोस्ट, 20 रुपए। मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करेंगे रुपीज 109। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ सीट। देखिए क्वेश्चन नंबर टू स्टार्ट करते हैं। दी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। एक रूम की बात हो रही है, उसकी लेंथ दी हुई है 5 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 4 मीटर, और हाइट दी हुई है 3 मीटर। रिस्पेक्टिवली का मतलब है लेंथ 5, फिर उसके बाद ब्रेथ, उसके बाद फिर हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। आपने कॉस्ट निकालनी है किसकी, वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग का मतलब है सफेदी, सफेदी करवानी है आपने दीवारों पे और सीलिंग, सीलिंग का मतलब छत पे, छत पे और चारों दीवारों पे आपने क्या करवानी है, सफेदी करवानी है, वाइट वॉशिंग करवानी है। उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, एट द रेट ऑफ रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि 7.5 रुपए। अगर एक मीटर स्क्वेयर की कॉस्ट 7.5 रुपए है। नॉर्मल क्वेश्चन है हमारे, जो डेली लाइफ में भी आप ले सकते हैं क्वेश्चंस। जैसे कोई आप मान लो पेंटर कहता है कि आपने वाइट वॉशिंग करवानी है किसी रूम में, ठीक है, और पर मीटर स्क्वेयर के हिसाब से वाइट वॉशिंग करता है, तो टोटल खर्चा कितना आएगा अगर वो बोले एक मीटर स्क्वेयर का इतना खर्चा है। तो नॉर्मल प्रैक्टिकल डेली लाइफ का क्वेश्चन बनता है हमारा। देखिए फॉर रूम, रूम के लिए बात करें लेंथ, एल कितना दिया हुआ है 5 मीटर, ब्रेथ कितना दी हुआ है 4 मीटर, और हाइट कितनी दी हुई है 3 मीटर। वाइट देखिए, कॉस्ट निकालने के लिए हमें कितना एरिया जिसको हमने व्हाइट वॉशिंग करानी है वो निकालना पड़ेगा, व्हाइट वॉशिंग एरिया, व्हाइट वॉशिंग एरिया, यानी कि जिस एरिया को हमें व्हाइट वॉशिंग करानी है वो एरिया कितना होगा। देखिए चारों दीवारों पे करवानी है आपने व्हाइट वॉशिंग, छत पे भी करवानी है, बेस पे तो नहीं करवानी। चारों दीवारों का एरिया होता है 2HL+B, कर्व सरफेस एरिया, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस, ये तो होगा चार दीवारों का, और प्लस सीलिंग का, सीलिंग का एल इंटू बी होता है भाई, टॉप का, बेस का भी एल बी होता है, छत का भी वही होता है, बट ये किसके लिए है प्लस एल बी, ये चार दीवारों का हो गया, और ये किसका हो गया, सीलिंग का हो गया, ठीक है। ये हमारा व्हाइट वॉशिंग एरिया होगा, वैल्यू पुट कर देंगे 2H, कितना हमारा 3L+B 5+4 L इंटू बी 5 मल्टीप्लाई 4, 2 को 3 से करेंगे 2 3 6, 5+4 9, और प्लस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, 54+20 74 मीटर स्क्वेयर, ठीक है। यानी कि इतने एरिया को हमें व्हाइट वॉशिंग करवानी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। कैसे निकालते हैं, जितना एरिया हमारे पास होता है उसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पर मीटर स्क्वेयर कॉस्ट से 7.50 कर लेंगे आप मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक शायद ये आएगा आपके पास रुपीज 555। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। The floor of a rectangular hall has a perimeter 250 meter. एक हॉल की बात हो रही है, जो रेक्टेंगुलर हॉल है उसका जो फर्स्ट है उसका पेरीमीटर 250 मीटर दिया हुआ है। आपको पता है कोई भी क्यूबॉइड है उसका जो फ्लोर होता है, बेस होता है, कैसा होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का होता है, उसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 250 मीटर। If the cost of painting the four walls at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 15,000,
अगर हमें चारों दीवारों को अगर हम पेंट करवाते हैं, उसकी जो कॉस्ट दी हुई है 10 रुपए पर मीटर स्क्वेयर के हिसाब से, टोटल कॉस्ट 15,000 रुपए गिवन है, जो कि पहले के क्वेश्चन में हम टोटल कॉस्ट निकालते थे, यहां पे हमें टोटल कॉस्ट गिवन है। फाइंड द हाइट ऑफ द होल, होल की हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल कॉस्ट गिवन है, हम अपनी तरफ से टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, फिर दोनों को हम इक्वल रख देंगे। देखिए कैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फोर वॉल्स, आपको पता है कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, एरिया मल्टीप्लाई कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर, ऐसे निकालते हैं। और किसकी बात हो रही है, कॉस्ट फोर वॉल्स की, तो एरिया भी जिस सब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट की कहें, या हम कोस्ट निकालते हैं, कोस्ट किसकी निकाल रहे हैं, हम फोर वॉल्स को पेंटिंग की निकाल रहे हैं, तो एरिया भी क्या आएगा, एरिया फोर वॉल्स, एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दें, कॉस्ट पर मीटर स्क्वेयर, वो टोटल कोस्ट आ जाती है हमारे पास। तो एरिया फोर वॉल्स क्या होता है, 2HL+B, या इसको हम ऐसे लिख दें, 2L+B इंटू एच, कोस्ट पर मीटर स्क्वेयर कितनी है, 10 दे रखी है, लेकिन 2L+B क्या है, पेरीमीटर है, पेरीमीटर हमें गिवन है 250 मल्टीप्लाई 10, सिंस 2 पेरीमीटर, 2L+B इक्वल टू 50, 2L+B पेरीमीटर का पता है, जो रेक्टेंगल होती है ये एल ये एल ये बी ये बी, चारों साइड को जोड़ोगे वो पेरीमीटर कहलाता है, 2L+2B, तो 2 कॉमन L+B, ये रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जो कि हमें गिवन है। तो ये आ गया हमारे पास 2500H, ये आ गया टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, बट वो तो गिवन है, कितनी गिवन है, 15,000 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये टोटल कॉस्ट है पेंटिंग की फोर वॉल्स की, ये किसकी इक्वल होगी, 15,000 के, समझ आ गया। तो यहां से हम एच निकाल सकते हैं, 15,000 डिवाइड बाई 2500, दो जीरो कैंसिल हो गई, अब किससे, 6 से पूरा कैंसिल होता है, 150 डिवाइड बाई 25, 6 पे पूरा कैंसिल होता है डिवाइड करोगे तो, या 5 से भी या छोटी डिजिट से आप कैंसिल कर सकते हैं, तो 6, तो एस हमारा कितना आ गया, 6 मीटर, मीटर में ही है।